हेलो व्यूज, वेलकम बैक टू नेम इंग्लिश क्लब। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले नेम इंग्लिश क्लब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम देखेंगे मेजर डिफरेंस बिटवीन इडियम और प्रोवर्ब। इडियम और प्रोवर्ब में जो मेजर डिफरेंस होता है, जब हम इसको लिखते वक्त याद करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपकी वो कंफ्यूजन 100% दूर कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं इडियम की तरफ। याद रखें, सबसे जो पहला डिफरेंस है इडियम में, इडियम मुश्तमिल होता है दो तीन या चार अल्फाज पर, और इसका ताल्लुक होता है आपके साथ या आपसे जो मुंसलिक चीज होती है उसके साथ। क्या कहा मैंने? दो तीन चार अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और इसका ताल्लुक आपके साथ और आपसे जो मुंसलिक चीज होती है उसके साथ होता है। इसमें मजा भी पाया जाता है, इसमें तंज भी होता है। किसमें? इडियम में। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, कहां मगरमच्छ, कहां उसके आंसू, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है मौजूदा सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसका ताल्लुक मेरे साथ है। मैं कहता हूं ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टियर, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ये हो गया इडियम। और अगर इसके बरअक्स हम चलते हैं प्रोवर्ब की जानब, तो याद रखें प्रोवर्ब में एक मॉरल लेसन होता है, एक सबक होता है, जो आपके लिए नहीं होता वो सबके लिए होता है। क्या? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में एक लेसन होता है, एक एडवाइस होती है, एक नसीहत होती है, एक सबक होता है जो हम सबके लिए होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यूनियन इज सेंटेंस, टिट फॉर टैट, ये क्या है? प्रोवर्ब। क्या बताया? मेजर जो डिफरेंस होता है इडियम में और प्रोवर्ब में, इडियम का ताल्लुक आपके साथ या आपसे जो मुंसलिक चीज होती है बस उसके साथ होता है, लेकिन प्रोवर्ब का ताल्लुक सबके लिए होता है, इसका ताल्लुक सबके साथ होता है, ये सब पर इफेक्ट करता है। उम्मीद नहीं, यकीन है आपकी जो कंफ्यूजन है प्रोवर्ब और इडियम के बारे में 100% क्लियर हो गई होंगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश ग्रामर, कोई भी इंग्लिश का टॉपिक हो, इंटर, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी टॉपिक हो, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।